तत्काल करो, तत्काल करो, इसे शिक्षक नियुक्त करो, तत्काल करो, तत्काल करो। छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांग मंत्रालय की स्थापना करनी होगी, करनी होगी। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज 72 और लगातार बुढ़ा तालाब धरना स्थल पे आज काफी संघ द्वारा धरना किया जा रहा है। हम एक और पंडाल पे हैं, आरसीआई प्रशिक्षण शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आज आंदोलन किया जा रहा है। हम वहाँ के पदाधिकारियों से सीधा बात करेंगे। एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, 3 सूत्री मांग को लेकर हम सीधा बात करेंगे। भाई पहले परिचय बताइए ना, क्या नाम ले? जी सर, मैं हरीश कुमार साहू हूँ, आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। क्या स्थिति बनी कि आप लोग को आज धरना स्थल पे धरने पर बैठना पड़ा? सर, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। एकदम इनके प्रति सरकार जो है निष्क्रिय है, ना ही इनकी जो दिव्यांग बच्चों की समझ है, उनकी संवेदना है, उनको सरकार नहीं सुन पा रही है। हमारे संगठन की प्रमुख 3 मांग है कि जो है भारत का राजपत्र प्रकाशित हुआ है, इसमें बताया गया है कि 15 प्राथमिक स्तर पर 10 दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षक और माध्यमिक स्तर पर 15 दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षक नियुक्त होना चाहिए। साथ ही यह भी बताया गया है कि प्रत्येक स्कूल न्यूनतम प्रत्येक विशेष शिक्षक एक होने चाहिए। तो धरना कितने दिनों तक रहेगा? सर, हमारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना है और इसके बाद अगर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती, इस संबंध में कोई काम नहीं करता, तो हम आगे बिल्कुल बैठेंगे। और भी लोग हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। भाई क्या नाम लिखते हैं, पहले परिचय बताएं। मेरा नाम दिनू कुमार है, मैं इसे सरकार में। किन मुद्दों को लेकर आप लोग धरने स्थल पर आज बैठे हैं धरने? हम 3 देशी मुद्दे, 3 मुल्क में बैठे हैं। पहला है हम लोग को आरपीडब्ल्यू भर्ती किया जाए, दूसरा कुछ और भी पदाधिकारी बात करेंगे। भाई पहले परिचय बताइए, क्या नाम? मेरा नाम योगेश कुमार चौहान है और मैं अभी विशेष शिक्षक हूँ। कहेंगे आप, ऐसा क्या स्थिति बनी कि आप लोगों को धरना स्थल पर धरने बैठे? सर, सबसे पहले तो बात यह है कि सन 2009 एक्ट लागू किया गया, जिसमें इन्होंने बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में रखा है, लेकिन गनीमत से ऐसा है कि शिक्षकों का जो दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से शिक्षक होने चाहिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए उनके ब्रेल लिपि शिक्षक होने चाहिए, साइन लैंग्वेज के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए होने चाहिए, तो ये सारे चीज़ छूट गए थे। तो अभी गवर्नमेंट ने नया 2016 एक्ट के बाद नया संशोधन 2009 एक्ट लागू किया है, जो केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र प्रकाशित हो चुका है, लेकिन 6 महीने बाद भी अभी तक राज्य सरकार इसमें कोई पहल नहीं कर पा रही है और यह अंतिम बजट है सरकार का। तो हमने इसमें 3 मांग रखे हैं, जिसमें पहला मांग तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार नियमित पदों का गठन हो, जो हमारे आसपास के राज्यों में काफ़ी अच्छे शिक्षा पद्धति चल रही है, खास करके दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में काफ़ी अच्छा इन बच्चों को शिक्षा मिल रही है, लेकिन हमारे यहाँ 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख से भी अधिक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर ही नहीं है, तो सर्वे कौन करेगा? क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 160 टीचर हैं जो सर्वे का काम कर रहे हैं, और जो 160 एक ब्लॉक में एक व्यक्ति टीचर है, वो सर्वे नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि UDID कार्ड की संख्या बहुत ज़्यादा है और हॉस्पिटल ने इतने सारे प्रमाण पत्र बनवा चुके हैं और वे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में उनको सुविधा नहीं मिल रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यही कहता है कि बच्चे घर में रहें, घर के पास स्कूल में पढ़ाई लिखाई करें, इसीलिए इस समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है और इसी के आधार पर यह एक्ट जो है अभी लागू किया गया है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो केंद्र जल्दी से इस बजट सत्र में इन बच्चों की शिक्षा को देखते हुए वे जल्द ही दिव्यांग बच्चों के शिक्षक, विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और बाकी राज्यों से बहुत पीछे चल रहे हैं, इस पर वे प्रकाश डालें। साथ ही बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में दिव्यांग बच्चों का अलग से मंत्रालय बन गया है, तो ऐसा ही सेम तर्ज पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से स्थापना किया जाए। परिचय, मेरा नाम योगेश कुमार चौहान है और मैं BRP जांजगीर जिले से हूँ। जैसे कि आपने देखा था, लगातार बुढ़ा तालाब धरना स्थल पे धरना चला थे, दिव्यांगजन के परिवारजन भी जुड़े हैं। मैं सीधा बात करूं, दीदी क्या कहना चाहो, का समस्या चला था, मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहो, अगर आपमन के कोई प्रतिक्रिया रहे? हमारे बच्चा ला अच्छा मैडम चाहिए और नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ा पाते, विशेष टीचर चाहिए। मतलब और आपमन कुछ कहना चाहो तो का प्रतिक्रिया रही, का कहना? बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जैसे सब बच्चे को समान मिल रहा है, वैसे हमारे बच्चे को भी मिले, ना ना करे। सुषमा सोनी, रामेश्वरी साहू। जैसे कि आपने देखा था, लगातार बुढ़ा तालाब धरना स्थल पे किसी न किसी माध्यम से धरना चला थे, तो आगे खबर पर आपन जुड़े रहो न्यूज 72 में। मैं सौरभ नायक, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।